नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे री सर्कुलेटिंग बाल टाइप स्टीयरिंग गियर सिस्टम के बारे में। तो इस सिस्टम को जानने से पहले हमें यह पता हो कि जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर। स्टीयरिंग सिस्टम बेसिकली इसको ड्राइवर कंट्रोल करता है और स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से ही ड्राइवर गाड़ी को स्ट्रेट ले जा सकता है, लेफ्ट टर्न ले सकता है, राइट टर्न ले सकता है। तो ये सारा स्टीयरिंग सिस्टम की मदद से होता है। और स्टीयरिंग सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील यह ड्राइवर के हाथों में होता है जिसको ड्राइवर कंट्रोल करता है। उसके बाद स्टीयरिंग रोड है। स्टीयरिंग रोड के बाद जो मेन कंपोनेंट वो यहाँ पे है, वो स्टीयरिंग गियर्स लगे होते हैं। स्टीयरिंग गियर्स का काम होता है कि जो रोटरी मोशन ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करके दी है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट करना। उसके बाद मेन कंपोनेंट होता है जो स्टीयरिंग के लिंकेज हैं। स्टीयरिंग लिंकेज में क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पिटमैन आर्म है, ट्रैक रोड है, टाई रोड है, स्टीयरिंग आर्म है। मतलब कि इन लिंकेज की मदद से जो स्टीयरिंग गियर की जो मूवमेंट है उनको इन व्हील्स के अंदर, जो फ्रंट व्हील्स होते हैं व्हीकल के, उनमें उसको ट्रांसमिट करना। तो ये मेन काम होता है। जैसे जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है वो मेनली डिपेंड करता है व्हीकल के डिज़ाइन पर। मतलब कि यह पैसेंजर कार है या कोई कमर्शियल व्हीकल है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में ज़्यादातर रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम का यूज होता है, जिसको हम पावर स्टीयरिंग सिस्टम कहते हैं। वो मॉडर्न जितनी भी कारें हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, सभी पावर स्टीयरिंग में हैं। लेकिन कुछ वर्षों तक रीसर्कुलेटिंग बाल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम का यूज़ होता था, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अब भी अपने मॉडल्स में इस स्टीयरिंग सिस्टम का यूज़ करती हैं। टाटा है, जनरल मोटर है, ये अपने कुछ मॉडल्स में अभी भी इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्योंकि और स्टीयरिंग सिस्टम मैनुअली होते थे कुछ वर्षों तक, लेकिन अब पावर स्टीयरिंग हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में रीसर्कुलेटिंग बाल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल का थोड़ा सा एनलार्ज व्यू आपको दिखाई दे रहा है। इस एनलार्ज व्यू में आपको अरेंजमेंट दिख रही है, यहाँ पे गियर है, ये बाल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे दूसरा गियर है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसका एनलार्ज व्यू से आपको समझाना चाहूँगा। ये पूरा एनलार्ज व्यू आपके पास आ गया है। इसमें क्या है कि ये स्टीयरिंग व्हील है जिसको ड्राइवर कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स पहले बता देता हूँ। यहाँ पे स्टीयरिंग शाफ्ट है। स्टीयरिंग शाफ्ट के बाद ये जो वॉर्म गियर है, इसको वॉर्म गियर कहते हैं। वॉर्म गियर जो इंसर्ट होता है, यहाँ पे बाल नट फ्रेम है और इसको ब्लॉक भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बाल नट फ्रेम है, इसके आउटर सरफेस पे भी टीथ कटे होते हैं, क्योंकि इन टीथ के साथ यहाँ पे जो सेक्टर गियर है उसकी मैशिंग होती है। और सेक्टर गियर यहाँ पे पिटमैन आर्म के साथ कनेक्टेड होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो पिटमैन आर्म है, यहाँ से मोशन फिर ट्रांसमिट होती है ये जो टाई रोड या स्टीयरिंग आर्म की मदद से व्हील में। तो अब बात करते हैं कि ये पूरी जो अरेंजमेंट है ये काम कैसे करती है। जो रीसर्कुलेटिंग बाल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम है, इसको रीसर्कुलेटिंग बाल और नट और वॉर्म और सेक्टर स्टीयरिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब जब यहाँ से टर्न मिलेगी, जब स्टीयरिंग व्हील को टर्न मिलेगी, उससे क्या होगा कि जो वॉर्म व्हील है, क्योंकि वॉर्म व्हील्स पे थ्रेड कटे हुए हैं और जो बाल नट फ्रेम या ब्लॉक है, इसके यहाँ पे टॉप और बॉटम में होल है, वो भी थ्रेडेड होल्स हैं। तो जब यहाँ से टर्न मिलेगी तो वॉर्म गियर वो रोटेट करना शुरू कर देगा। और वॉर्म गियर रोटेट करना शुरू करेगा, इसके अंदर जो थ्रेड्स के अंदर ग्रूव्स हैं उनके अंदर स्टील बाल हैं। जब ये स्टील बाल भी मूव करेंगी, यहाँ पे जो कट आपको नज़र आ रहा है, इनकी मदद से जो मोशन है वॉर्म गियर की, वो शिफ्ट हो जाएगी बाल नट फ्रेम में और वो भी रोटेट करना शुरू कर देगा। और इसके रोटेट करने से क्या होगा कि वॉर्म गियर की लेंथ के अकॉर्डिंग, की लेंथ के अलाइनमेंट में बाल नट फ्रेम रोटेट करेगा, और जिससे क्या होगा कि ये जो मोशन है वो ट्रांसमिट हो जाएगी सेक्टर गियर में। सेक्टर गियर में ट्रांसमिट होने से क्या होगा कि जो पिटमैन आर्म है उसको मोशन मिल जाएगी, और पिटमैन आर्म की जो मूवमेंट है उसको रोड व्हील पे भेजा जाएगा, ताकि या तो राइट टर्न ले सकें या फिर लेफ्ट टर्न ले सकें। वो सारा होगा टाई रोड, स्टीयरिंग आर्म या ट्रैक रोड की मदद से। तो इस प्रकार ये पूरा सिस्टम है वो काम करता है। दूसरी बात कि
जो कोई भी स्टीयरिंग सिस्टम है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले उसका एक्यूरेट होना ज़रूरी है कि वो एक्यूरेट हो, उसकी जो हैंडलिंग है वो भी उसकी इजीली होनी चाहिए, और वो डायरेक्शनल जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। और उसके बाद कि जो ड्राइवर जब भी एफर्ट लगाता है स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने में, कम एफर्ट वो लगाए और उसको मल्टीप्लाई करके उस टर्निंग एफर्ट को वो स्टीयरिंग सिस्टम आगे प्रोवाइड करे कि कम एफर्ट से ज़्यादा टर्न वो ले सके। और दूसरी बात कि जब भी व्हीकल रोड पे चलता है तो उस दौरान सड़क पे कुछ खड्डे भी आते हैं, और वो जो खड्डे आते हैं उनकी जो सोख हैं वो ड्राइवर के हाथों तक ना पहुँचे। इतना एफिशिएंट और एक्यूरेट हमारे पास स्टीयरिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी उसको एक गुड स्टीयरिंग सिस्टम कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।